जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा उधमपुर में 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन आशीर्वाद महारैली के लिए समर्थन जुटाने के लिए शंखनाद करेगी। पीएम मोदी के आगमन व सार्वजनिक रैली को देखते हुए उधमपुर के डीएम सलोनी राय ने जिले में तत्काल प्रभाव से सीआरपीसी की धारा 144 के तहत नो फ्लाइंग जोन के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 12 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं उधमपुर कठुआ से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर में रैली स्थल का दौरा कर तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इस रैली में 8 जिलों से कार्यकर्ता व समर्थकों को लाने की तैयारी है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को होने जा रहे रैली उधमपुर में बीते 10 वर्ष में तीसरी रैली है, लेकिन चुनावी रैली के आधार पर यह दूसरी चुनावी रैली होगी। उन्होंने उधमपुर में पहली बार चुनावी रैली 28 नवंबर 2024 को बटलवाली स्थित मैदान में की थी। अब इस मैदान को मोदी मैदान कहा जाता है। उन्होंने पहली चुनावी रैली जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उधमपुर से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में की थी। ये बात अलग है कि तब भाजपा उम्मीदवार हार गया था। साल 2017 उन्होंने जम्मू कश्मीर नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चिनेरी नाशरी सुरंग का उद्घाटन करने के बाद उधमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद वह अब उधमपुर में फिर आ रहे हैं। उधमपुर कठुआ संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा किश्तवाड़ा में भी 22 नवंबर 2014 को भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल। नमस्कार।